कैसे आप सभी, आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस में आदिल रशीद लोन आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारी तीसरी क्लास है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल और वी कैन से दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। मैंने आपको सेकंड क्लास जो हमने ली थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, मैंने आपको वहां पे भी थोड़ा सा बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल में क्या आता है, एक आता है न्यूक्लियस आता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, पहले अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा, और प्लाज्मा लीमा, ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा लीमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा एंड सेल मेम्ब्रेन ये एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है विच मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ सेल, विच मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो थिकनेस होता है, इसका थिकनेस कितना होता है, 70 to 10 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, टू मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, फॉर्म्स आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्म्स आउटर बाउंड्री ऑफ सेल एंड इट सेपरेट्स द सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स, इट सेपरेट्स द सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्या हमने पढ़ा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट्स आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा, इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल और इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ सेल। इसकी जो थिकनेस होती है वो 70 to 10 mm होती है। अगर हम एंगस्ट्रम में देखेंगे तो फिर वो 70 angstrom to 100 angstrom आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। डियर फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियस है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने इसको डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस होता है इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इसमें होता है क्रोमैटिन। यानी कि वी कैन से दैट न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस क्रोमैटिन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सेलुलर लिगेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ऐसा मेम्ब्रेन है विच कवर्स द न्यूक्लियर लिगेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये भी सिलेक्टिवली परमेबल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है फ्रेंड्स, allow certain substances to pass in and out of the this nucleus. ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो फिर वहां पे हम क्या कहेंगे, इट अलाउज द सबस्टेंस, इट अलाउज द फ्यू सबस्टेंसेस टू पास इन एंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो फ्रेंड्स होता है ये एक राउंडेड शेप्ड बॉडी होती है, जिसमें होती है न्यूक्लियस में होती है एक राउंडेड शेप्ड बॉडी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इट कंटेन्स आरएनए, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरीके से आप साइटोप्लाज्म एक फ्लूड है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये भी एक डेंस फ्लूड है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक डेंस फ्लूड है, जिस तरीके से साइटोप्लाज्म एक फ्लूड है इसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक फ्लूड है। बट डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल, दैट्स आउटसाइड दिस न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जो होता है इट कंटेन्स यहां पे मैं लिखूंगा क्रोमैटिन कंटेनर्स जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेनर्स जेनेटिक मटेरियल, क्या इसमें होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्रोमैटिन होता है, याद रखें फ्रेंड्स, इट्स नोन एज कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सेल, इट्स नोन एज कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सेल, क्या इसको बोलते हैं,
कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सेल किसको बोलते हैं, क्रोमैटिन को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हमने क्या डिस्कस किया, न्यूक्लियस डिस्कस किया और सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म और हम एक दो ऑर्गेनेल्स भी आज पढ़ेंगे, फिर बाकी ऑर्गेनेल्स का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हमने आप क्या याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो न्यूक्लियस होता है इट वाज डिस्कवर्ड, जो न्यूक्लियस है इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमेटिन जो होता है इट्स नोन एज कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रोमेटिन में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, क्रोमेटिन में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दे बोथ आर सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में क्या होता है, आरएनए होता है। Now we're in cytoplasm. ये cytoplasm क्या होता है? It's a thick jelly-like fluid. It's a thick jelly-like fluid. ठीक है friends, ये भी एक fluid होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला जो nucleoplasm होता है ये भी एक fluid होता है। क्या होता है, it's a thick jelly-like fluid which occupies space between nuclear membrane एंड सेल मेम्ब्रेन, विच ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मैंने फ्लूइड बनाया है, ये फ्लूइड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइटोप्लाज्म है। इट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें कुछ सेल बॉडीज होते हैं, इसमें कुछ सेल बॉडीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स। क्या उनको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और सेलुलर ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होते हैं गाल की, मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया गाल की बॉडीज में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गाल की बॉडीज होती हैं। और क्या होता है, लाइसोजूम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है और बाकी भी कुछ ऑर्गेनिज होते हैं, ये हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे पहले क्या डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल ऑकर्स हियर, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल ऑकर्स हियर। ठीक है फ्रेंड्स, यही से फिर क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने। किसने डिस्कवर किया था, ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, उसने इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट यानी कि जब ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया उसने इसका नाम क्या रखा था, बायोप्लास्ट। उसके बाद सी बिंदा जो है, सी बिंदा ने इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसने इसका नाम चेंज किया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। ठीक है फ्रेंड्स, सी बिंदा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक जो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स आल्सो नोन एज पावर हाउस, ये आप याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी कि इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने होते हैं, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है इट्स फोल्डेड, ये फोल्डेड होता है। जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, ये फोल्डेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट फॉर्म्स द प्रोजेक्शंस, इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये आप याद रखना फ्रेंड्स, क्रिस्टे उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे उनको हम बोलते हैं। जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, वो फोल्डेड होता है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, क्रिस्टे बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्या हमने देखा, जो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने, उसने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। उसके बाद सी बिंदा ने इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो नाउ फ्रेंड्स, अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ईआर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंजीनियर। ठीक है फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट्स फॉर्मड बाय मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स, that is membrane bound vesicles plus tubules। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो vesicles और tubules होते हैं इनको हम jointly बोलते हैं cisternae। क्या बोलते हैं इनको हम, cisternae।
ठीक है फ्रेंड्स, सिस्टर ने इनको हम बोलते हैं, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट्स फॉर्मड बाय सिस्टर ने, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट वाज डिस्कवर्ड बाय के आर पोर्टर, इट वाज डिस्कवर्ड बाय के आर पोर्टर, ठीक है फ्रेंड्स। किसने इसको डिस्कवर किया था? के आर पोर्टर ने। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक होता है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो SER होता है स्मूथ, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इट्स डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। और एक बात, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट्स आल्सो नोन एज ए ग्रेन्युलर ईआर, दैट इज ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट्स आल्सो नोन एज ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये जो होता है आरईआर, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर यहां पे क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है फ्रेंड्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कहां पे होते हैं? आरईआर में होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रेन्युलर होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यहां पे फिर क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इट सिंथेसाइजेस lipids and steroids. It also stores calcium ions. ये भी याद रखना friends. It also releases and stores calcium ions. Stores calcium. ठीक है friends. It also stores calcium. ये है किसके बारे में? ये जो मैंने points लिखे हैं endoplasmic reticulum के बारे में। क्या होता है endoplasmic reticulum? It's formed by membrane bound organelles, जिनको हम क्या बोलते हैं? cisternae बोलते हैं। ये जो endoplasmic reticulum है, it was discovered by K.R. Porter, ने इसको discover किया था। It's of two types, एक smooth होता है, smooth is also known as granular, जो rough होता है, it's also known as granular, ठीक है friends, दो types से होता है इसकी। ये जो ग्रेन्युलर होता है, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है फ्रेंड्स, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। इट आल्सो स्टोर्स कैल्शियम आयन्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पे राइबोसोम्स होते हैं, देयरफॉर इसमें क्या होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये जो है फ्रेंड्स, ये यहां पे राइबोसोम्स, ये वाला है ना, ये रफ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी राइबोसोम्स पे होते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे ये एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये है था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हमने दो सेलुलर ऑर्गेनेल्स यहाँ पे कंप्लीट किए, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।